हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे और मैं भी बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ काफ़ी इजी सा, काफ़ी प्रिटी सा इंगेजमेंट मेकअप लुक शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी कमी लगी हो तो बेफिक्र होकर सजेस्ट कर दीजिएगा। ठीक, यहाँ पे मैं आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, नॉर्मल सी चीज़ें बताऊंगी जो आपके घर में मिल जाए। सबसे पहला स्टेप हम फॉलो करने जा रहे हैं बर्फ। तो यहाँ पे एक बर्फ आपको ले लेनी है ऐसे। अगर गर्मी का टाइम है, जब भी आप मेकअप करते हो, आपको अपना मेकअप जो है ना देर तक मतलब टिकाना है, कि जो मेरा मेकअप है वो देर तक टिका रहे, तो सबसे फर्स्ट स्टेप कीजिएगा, सिंपल स्टेप है, बर्फ लीजिएगा। यहाँ पे ये देखिए मैंने बर्फ लिया है और इसको एक कपड़े में, कोई भी कपड़ा हो, सूती कपड़ा, कॉटन का कपड़ा, सूती कपड़ा जिसको बोलते हैं, उसको यूं करके और यूं अच्छे से ही अपने पूरे फेस पे मसाज ऐसे पकड़ लेना है आपको अच्छे से, और मसाज स्टार्ट करनी है। ये देखिए, आपको कोई भी महंगा प्रोडक्ट या कुछ भी ऐसा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं। और ये इतना मतलब मुझसे ठंडी बर्दाश्त नहीं होती है, मेरी प्रॉब्लम है, तो बहुत ठंडा ठंडा सा फील होगा आपको। बस फटाफट से आपको करते जाना है जैसे मैं कर रही हूँ। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में फॉलो करूंगी गुलाबजल। आप चाहो तो कॉटन की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हो, या आपके पास कॉटन नहीं है, कभी कभी होता है ना इमरजेंसी नहीं मिलती तो क्या करें, तो आपको बस यूं करना, यूं देखिए, यूं सिंपल। वैसे तो कॉटन की हेल्प से लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन कभी कदर अगर नहीं मिलता तो बस यूं आपको लगा लेना है। ठीक है, वरना अगर आपके कॉटन है तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि कॉटन से लगाइए। अगर इमरजेंसी में नहीं है तो जैसे मैंने बताया वैसे लगा लीजिए। अब इसको भी थोड़ा सा छोड़ेंगे थोड़ी देर के लिए, वैसे भी तो इतनी गर्मी है कि तुरंत ही ये पानी वगैरह ड्राई हो जाते, लेकिन थोड़ी देर के लिए फिर भी छोड़ेंगे। ठीक है, सो इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे, जिसके लिए मैं ले रही हूँ वाव का एलोवेरा जेल। आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, जो आपको सूट करता, जो आपको पसंद हो उसको लेना है थोड़ी सी क्वांटिटी में, और अच्छे से ही अपने पूरे फेस पे लगाना है। आप पतंजलि का भी ले सकते हैं, कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, और जैसे मैंने लगाया सिंपल है, बहुत हल्का सा आपको लगा लेना है, ज़्यादा नहीं बस हल्का सा। ठीक है, अब इसको भी मैं छोड़ूंगी थोड़ी देर के लिए। ठीक है, सो इसके बाद अगर आपको आई मेकअप पसंद है तो आई मेकअप कीजिएगा, वरना ये स्टेप आप स्किप कर दीजिएगा। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था, इसलिए मैं आई मेकअप इस वीडियो में रख रही हूँ, कि दी आप आई मेकअप नहीं करते हो तो ये उनके लिए है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, सो इसके बाद कोई भी फाउंडेशन लीजिएगा, कोई भी फाउंडेशन जो आपको पसंद है, जो आपको आपकी स्किन को सूट करता हो, लाइट डार्क कोई भी फाउंडेशन चल जाएगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आई पे फाउंडेशन लगा रही हूँ। अगर आपके पास कंसीलर है तो आप वो भी लगा सकते हैं, है ना। तो बस थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी में हम इस तरीके से लगा के अच्छे से सेट कर लेंगे। जैसे मैंने लगाया है सेम ऐसे आपको फाउंडेशन को लगाना है, और दोनों ही आई में बराबर से सेट कर लेना है। ठीक है, ये कंसीलर है तो वो भी आप अप्लाई कर सकते, नहीं है तो परेशान मत होइए, जैसे मैं बता रही वैसे कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद कोई भी कॉम्पैक्ट लीजिएगा, तो मैं मेबेलिन फिट मी का कॉम्पैक्ट ले रही हूँ, और ये काफ़ी अच्छा है, देखिए इस तरह की पैकेजिंग में आता है, और इसको मेरी स्किन टोन से काफ़ी अच्छे से ये जाता है। थोड़ा सा लेके यूँ और मैं अपने पूरे ही आई को सेट कर लूँगी, ये इस तरीके का। इसके बाद मैं ले रही हूँ कलर बोल्ड का आई पैलेट। ये 450 या 400 के राउंड मिल गया था। ऐसा आई पैलेट आपके पास जरूर होना चाहिए, जरूरी नहीं यही हो, कोई भी आई पैलेट हो जिसकी पिगमेंटेशन अच्छी हो और वो काफी बजट में हो। ये ओरिजिनल है, लोकल है, बट इतना अच्छा है, लोकल के हिसाब से ये काफी कम बजट में मुझे मिल गया था और काफी अच्छा है। सो आप इसके शेड जो है ना देख सकते, कोई रिस्पॉन्सर नहीं कि मैं रिस्पॉन्सर वीडियो कर रही हूँ। ये देखिए प्यारे प्यारे से शेड है। सबसे पहले मैं ये वाला शेड पिक कर रही हूँ फिंगर की हेल्प से। पूरा मेकअप मैं कोशिश करूंगी आई मेकअप फिंगर की हेल्प से करूँ। ये मैट में है और इसकी पिगमेंटेशन आप देखिए कितनी अच्छी है ना। तो सबसे फर्स्ट शेड हमारा ये है, इसको मैं यूं बस यूं अपने पूरे आईलेट पे एक बेस के लिए तैयार कर रही हूँ। ठीक है, यूं लगाऊंगी मैं, ये पाउडर टाइप का है, ये देखिए इस तरीके से बस लाइटली आपको
लगा लेना, देख रहे हैं आप कितनी अच्छे से लग जा रहा है। और जितनी अच्छी फिंगर से पिगमेंटेशन आती है ना, उतनी अच्छी ब्रश से नहीं आती है। आप खुद ही एक बार देखिएगा फिर मुझे बताइएगा ज़रूर। तो अच्छे से हम दोनों ही आई में अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हमने ये शेड लगा लिया, इसके ऊपर हम सिंपल बस ये वाला शेड पिक करेंगे। इससे क्या होगा, थोड़ा सा शाइन आएगी। अभी आप देखिए कितना प्यारा, ये भी इसकी भी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी, जितनी बार मैं ले रही हूँ उतना अच्छा इसका जो है रिजल्ट आ रहा है ना। तो इसको भी हम यूं ही लगाएंगे, जैसा मैंने बताया ना, बस फिंगर की हेल्प से। आई मेकअप अगर करना है तो आप पहले करिएगा, बाद में भी कर सकते हैं। अगर आप बैलेंस बना सकते हैं तो आप बाद में भी कर सकते हैं ना। इसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा भी आज आप लोगों को ग्लिटर लगा के दिखाऊं कि वो भी कैसे, अभी बताती हूँ। सबसे पहले जो आप लाइनर लगाते हैं वो वाला ग्लू लीजिएगा, तो वो वाला ग्लू मैंने ले लिया है। और इसको मैं अच्छे से ही देखिए यू करके लगा रही हूँ। ये जहां पर आपको ग्लिटर लगाना है वहां पर आप इस तरीके से लगा लीजिएगा, क्योंकि जितने भी ग्लू आते हैं ना काफी महंगे आते हैं मैंने देखा था, और ये काफी अच्छा है। आप इस तरह एक तरीके से ट्राई करेंगे ना काफी अच्छे से लग भी जाएगा, बहुत प्यारा भी लुक आता है। जितने में आपको लगाना है उतने में लगाने के बाद फिर यहाँ पे मैं ये ब्लू वाला शेड, वहीं पर ये ब्लू शेड है ये देखिए, शेड पिक करूंगी और उसी के ऊपर हल्के हल्के से ये इस तरीके से लगा लूंगी, सिर्फ वहीं पर जहां पर मैंने ग्लू लगाया है। आप चाहें तो पूरे में भी लगा सकते हैं, चाहे तो इतना भी लगा सकती हूँ, आपकी मर्जी है। ओ, इस आई में जैसे हमने ग्लू लगाया है सेम इस आई में भी ऐसे लगाना है, और थोड़ा थोड़ा सा ग्लिटर लेके अच्छे से लगा लेना है इस आई में भी। अब हम लैक्मे का लाइनर लगाएंगे, ये देखिए काफ़ी अच्छा है ये लैक्मे का लाइनर। जो ये लैक्मे का लाइनर होता है काफ़ी अफोर्डेबल में है, बजट में भी है और हर किसी के पास ईजली मिल जाता है। मैं कोई भी एक्स्ट्रा बढ़ा कर नहीं लगाऊंगी, बस जहाँ तक मैंने आई शेडो लगाया है बस वहीं तक लगाऊंगी। हम लगाएंगे ब्लू हेवन का काजल। ब्लू हेवन का काजल मैं 6 से 7 बार यूज़ की हूँ, इससे पहले मैं मेबलिन का यूज़ करती थी। ये मुझे इतना पसंद आया क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लैक और डार्क है। अगर आपको डार्क ब्लैक काजल पसंद है तो आप इसे ज़रूर बाय कीजिएगा। आप चाहो तो डायरेक्ट फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊँगी कि अगर आप चाहते हो कि आपका मेकअप जो है ना थोड़ा सा देर तक टिका रहे, वाटर प्रूफ हो, अच्छा हो, और फाउंडेशन जैसे कि आप ले रहे हो 100 रुपये का, तो 100 रुपये का अगर आप फाउंडेशन ले रहे हो तो इसकी कवरेज उतनी भी अच्छी नहीं है। प्लस क्या है कि ये लाइट वेट है। सेकंड चीज ये है कि अगर एंगेजमेंट वगैरह है तो उसके लिए आपको अगर ये फाउंडेशन ले रहे हो तो इसकी अच्छी खासी आपको कवरेज बनाने की जरूरत है। अगर नहीं बना सकते हो तो मैं आपको एक चीज बताऊं, आप एक काम कीजिएगा, ओलिविया पैनकेक तो सभी ने ले लिया होगा, जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं जो जानते हैं। तो सबसे पहले हल्का सा आपको टच देना है, जिसके लिए ओलिविया का पैनकेक मैं ले रही हूँ। फाउंडेशन भी यूज करूंगी, मिक्स मैच नहीं करूंगी, आज दूसरी तरीके से बताऊंगी। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ ओलिविया का पैनकेक और शेड है 24। तो वो करते हुए ज़्यादा नहीं लगाऊंगी मैं, बस हल्का हल्का सा इस तरीके से हमने ले लिया है। और अब हल्के हल्के से देखिए जस्ट लाइटली एक बेस तैयार करूंगी, ताकि क्या हो जो हमारा मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग हो, निकले ना। पहले आपको एक साइड अच्छे से सेट कर लेना है, फिर आपको दूसरी साइड जाना है, ठीक है। ये देखिए जस्ट लाइटली हमने लगाया है, अब हम इधर आ जाएंगे। इसको ऊपर हमको कुछ नहीं करना है, इसको हमको ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। अब इसके ऊपर आपको कोई भी कोट नहीं चढ़ाना है और आपको इसको फटाफट से लगाना है, क्योंकि ये तुरंत ही ड्राई रहता है। जहां भी आप लगा रहे हो ना वहां भी आप तुरंत लगाओ,
और इसकी कवरेज इतनी अच्छी है कि जो भी आपके मतलब डार्कनेस वगैरह उनको भी ये काफी हद तक हाइड कर देता है। ये देखिए, तो एक ही बार में मैंने यूज किया है, ठीक है, ये देखिए, और ये मेरी स्किन टोन से कितने अच्छे से जा रहा है, देख सकते हो आप, है ना। अब ये देखिए अच्छे से हमारा लग चुका पैन के, हाथ को हमको अच्छे से सुखाना और इसके बाद एक बार अपने फेस पे यू करना है, यू अच्छे से हल्के हाथों से पैनकेक को मिक्स कर लेना है हल्का हल्का सा, देखिए, ताकि जहाँ पे ड्राई पैन हो वहाँ पे ये ठीक हो जाए, सेट हो जाए। इसके बाद मैं ले रही हूँ लैक्मे कम 100 वाला फाउंडेशन। इसको क्या करूँगी, अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। शेड है मेरा नेचर कोरल, ठीक है, थोड़ी सी क्वांटिटी में हम हैंड पे लेंगे अच्छे से ही। अब ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे, आप चाहो तो उसी से लगा सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ब्यूटी ब्लेंडर लीजिए। अब इसके ऊपर मैं हल्का हल्का सा यू इस तरीके से लगाऊंगी, ये देखिए, इससे क्या होगी, इसकी कवरेज जो आएगी फाउंडेशन की काफ़ी अच्छी रहेगी। और जैसे बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती कि दी ये ड्राई ड्राई सा दिखता है, तो वैसा नहीं दिखेगा और काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में। ये देखिए, अब इसकी फिनिशिंग देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है, आप देख सकते हैं, खुद ही देख सकते हैं, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, अब इस साइड देखिए और इस साइड देखिए, देख रहे हैं फर्क, मतलब इतना अच्छा फिर हो जाता है ना आपका मेकअप, गर्मियों में काफी देर तक टिकता है, प्लस देखने में बिल्कुल प्रोफेशनल हाई कवरेज HD मेकअप जैसा दिखता है ये। एक बार ट्राई करिएगा फिर बताइएगा। आई के पास आपको अच्छे से लगाना है यू, इस तरीके से आपको लेना है हल्का हल्का सा और फिर ब्लेंड करना है। इसके ऊपर इसकी कवरेज बहुत अच्छी वाली दिख रही है ना, अगर आप ऐसी लगाते बिल्कुल लाइट सी दिखती। अभी आप देख सकते हैं, ये देखिए, इधर देखिए, अब आप फर्क देखिए, कितनी अच्छी कवरेज आ गई है, कितना अच्छा लुक दिख रहा है, और मतलब स्मूथ, बिल्कुल चिकना, बिल्कुल भी ड्राई पर नहीं, केकी पर नहीं, कुछ नहीं, है ना। सो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया, आई होप आप समझ सको, बताने की पूरी कोशिश की है। ये देखिए, अब हम इस साइड भी अच्छे से अप्लाई कर लेंगे, देखिए अब हमारा फेस कितना अच्छा बिल्कुल नेचुरल सा दिख रहा है ना। अब देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आ गई और कितना अच्छा लग रहा है देखने में। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको लेना है सेम वही कॉम्पैक्ट मेबलिन फिट मी का, और इससे अपने पूरे फेस को सेट करना है, तो हल्के हल्के से आपको सेट कर लेना है इस तरीके से, जैसे मैं कर रही हूँ सेम वैसे ही। अब हम थोड़ा सा बेक करेंगे, जिसके लिए मैं ले रही हूँ ब्लू हेवन का फेस ग्लो पाउडर, ठीक है, तो ये काफी अच्छा है, बजट में है, इसको हम एक जगह निकाल लेंगे अच्छे से। इसको अच्छे से हम लगाएंगे जहाँ जहाँ पे हम कंसील करते हैं वहाँ वहाँ पर, और थोड़ी देर के बाद आपको इसको निकाल देना है। वो वाली क्लिप पता नहीं कहाँ गई, लग रहा मुझे कैमरा ही नहीं चालू हुआ, तो अच्छे से एक्स्ट्रा लगा लेना है जैसे मैं लगा रही हूँ, सेम ऐसे ही। हम ले रहे हैं एक पिंक शेड, सेम इसी आई पैलेट से टच करूँगी, यू का हल्का सा मैं अपने चीक पे लगाऊंगी। आज मैंने वो वाला शेड नहीं पिक किया है जैसे हमेशा मैं आप लोगों को बताती हूँ ना, शाइन वाला, तो पहले मैं मैट शेड पिक कर रही हूँ। और इसके बाद मैं ले रही हूँ हुडा ब्यूटी का मेकअप सेटिंग स्प्रे। इससे क्या होगा कि आपका मेकअप जो है वो काफी ज्यादा लॉन्ग स्टे करेगा, काफी देर तक टिका रहेगा, काफी अच्छा होता है। अगर आपके पास है तो लगा लीजिए, नहीं है तो परेशान मत होइए, ठीक है। यहाँ पर मैंने हुडा ब्यूटी का मेकअप सेटिंग स्प्रे लिया है, अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। और फिर एक लोकल मार्केट की मैंने आईब्रो पेंसिल ली है जो सिर्फ 30 रुपये की है, इसे मैंने लोकल मार्केट से लिया था, काफ़ी अच्छी है। सो बस इसके बाद फिर वही आई पैलेट से मैं एक शाइन वाला शेड पिक करूँगी, जिससे क्या हो कि मेरे फेस पर ग्लो आए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फिर से वही पिंक वाला शेड पिक कर रही हूँ हल्का सा तरीके से,
और ये लिपस्टिक जो मैं लगा रही हूँ ये लोकल मार्केट की है, तो इसका नाम मैं मेंशन कर दूँगी। अगर आपके लोकल मार्केट में मिलती है तो आप इजली नाम बताकर बाय कर सकते हैं। काफ़ी प्यारा शेड, आप देख सकते हैं कितना प्रिटी है, मतलब काफ़ी डार्क वाला है, जैसे मुझे पसंद है ना, सेम वैसा ही है। तो इसको लगा के फटाफट से हम रेडी हो जाएंगे। बस ये रहा हमारा पूरा फाइनल लुक। कैसा लग रहा आप लोगों को बताइएगा ज़रूर। ये साड़ी मैंने ली है, इंस्टाग्राम पेज है अम्बे लाइफ स्टाइल, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। वो मेरी सिस्टर का ही पेज है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। बट रिटर्न पॉलिसी नहीं है, अगर डैमेज प्रोडक्ट होता है या फिर ख़राब प्रोडक्ट होता है तभी आपकी जो साड़ी है या कोई भी प्रोडक्ट है तभी वापस होगा। बट उसकी भी आपको ओपनिंग वीडियो बनानी पड़ेगी, यानी जैसे ही आपको पार्सल रिसीव होता है आपको ओपन करते समय यानी कि पार्सल को खोलते समय वीडियो बनानी है, उसके बाद ही आपका जो प्रोडक्ट डैमेज है तभी रिटर्न होगा, वरना रिटर्न नहीं हो सकता है, एक्सचेंज हो जाएगा। ऐसा कुछ है, आप वहाँ पे अम्बे लाइफ स्टाइल इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पे आप अच्छे से डिटेल ले सकते हैं। इतनी प्यारी साड़ी है ना, और ये इतना प्यारा मेकअप लुक हुआ था, मैं खुद ही तारीफ़ कर रही हूँ। ये मेकअप लुक आप मतलब अगर सुबह करोगे तो रात तक आपका मेकअप चलेगा। आपने देखा कितना, मतलब मैंने स्टेप फॉलो किया है गर्मियों से बचने के लिए, ताकि आपका जो मेकअप है काला ना पड़े, पसीना ना आए, कवरेज भी दी है, सभी चीज़ों का इस वीडियो में मैंने ध्यान रखा है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी आप इस लुक को, अगर अलग दिखना चाहते हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। या रिसेप्शन में भी आप कुछ ऐसा मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो, इंगेजमेंट में भी कर सकते हैं, या आपके भाई की बहन की शादी है तब भी आप इस मेकअप लुक को क्रिएट कर सकते हो। और हाँ, इस मेकअप लुक पर आपके भैया ने, जीजू ने बहुत अच्छा सा रिएक्शन दिया है, तो वो जाएगा मेरे ब्लॉग चैनल पर यानी कि प्रीति मेकअप ब्लॉग चैनल पर, तो जल्दी वीडियो जाएगी, इसके बाद ही जाएगी, तो आप लोग ज़रूर वॉच कीजिएगा। फुल आउटफिट मैंने लास्ट में दिखाया है थोड़ा सा, और इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छे से दिखा दी हूँ। तो अभी तक आपने मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फटाक से कर लीजिए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है प्रीति मेकअप ऑफिशियल। कोई भी कमी लगी हो ना तो आप बेफिक्र होकर सजेस्ट कर दीजिएगा। सभी प्रोडक्ट की लिंक आपको नहीं मिलेगा, नाम मैं मेंशन कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। चलो मिलती हूँ एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। फिर से यार इतनी मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए, एक लुक को क्रिएट करने में सच में बहुत मेहनत लगती, आउटफिट, ज्वेलरी, सब कुछ सब कुछ सब कुछ। तो प्लीज़ मेरे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अपनी दी के लिए। चलो मिलती हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कीजिएगा प्लीज़ इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत मेहनत की और मुझे पर्सनली ये मेकअप बहुत पसंद आया है। आप जब भी इस मेकअप लुक को क्रिएट करना तो मुझे एक पिक इंस्टाग्राम पे टैग करके ज़रूर मेंशन करना, मैं अपनी स्टोरी में शेयर करूँगी और आप लोगों को कमेंट करके बताऊँगी पर्सनली जाके कि आप लोगों का मेकअप कैसा हुआ है, ठीक है। चलो मिलती हूँ एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।